कल की गिरावट के बाद सेंसेक्स संभल गया है, 1000 अंकों की बढ़त के साथ खुला है, यानी कि संभल गया है बाजार। और एक और बड़ी खबर जो यूक्रेन से जुड़ी हुई आ रही है वो ये कि यूक्रेन पर एक और मिसाइल से हमला किया गया है, पश्चिमी इलाके जेपोरिज्या पर मिसाइल अटैक किया गया है। बीएनओ न्यूज के हवाले से खबर आ रही है कि रूसी सेना कीव की तरफ बढ़ रही है, कीव में तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी है, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हुआ है, ये यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है। रूस यूक्रेन जंग में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तमाम डेवलपमेंट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे यूक्रेन पर एक और मिसाइल से हमला किया गया है। मिसाइल द्वारा यह हमला आपसे कुछ ही देर पहले हुआ, जिससे पश्चिमी इलाके जेपोरिज्या पर मिसाइल अटैक किया गया है। कई लोगों के मारे जाने और जख्मी होने की खबर आ रही है और साथ ही तेज धमाके की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। ये कीव की एक इमारत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धुएं का गुबार दूर तक देखा जा सकता है, धधक उठी है ये इमारत, इसमें आग लग गई है, धुआं उठ रहा है और पूरी तरीके से ये इमारत अब नष्ट दिखाई दे रही है। जिस तरीके से खबरें आ रही हैं लगातार हमलों की, उसके मद्देनजर अब कई लोगों को इवैक्यूएट भी किया गया है, कई लोग इस वक्त बिल्डिंग्स के बेसमेंट में है। ऐसे में देखना और समझना ये होगा कि जिस वक्त इस बिल्डिंग को तबाह किया गया, नष्ट किया गया, उस वक्त इसमें लोग मौजूद थे या नहीं। यूक्रेन पर मिसाइल द्वारा हमला किया जा रहा है और तस्वीरें तबाही की लगातार आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा कि यूक्रेन की राजधानी कीव और दूसरे इलाकों से लोग पलायन कर रहे हैं, अब तक 1 लाख लोग ये बताया जा रहा है कि पलायन कर चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें रूसी सेना कीव की तरफ बढ़ रही है, बीएनओ न्यूज के हवाले से खबर आ रही है और यूक्रेन पर एक और मिसाइल द्वारा हमला किया गया है, जिसमें भारी तबाही की तस्वीरें साफ तौर पर सामने आ रही हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त यूक्रेन पर टिकी हुई है कि कैसे यूक्रेन अपने बचाव में सामने आएगा। हालांकि यूक्रेन की तरफ से भी तमाम दावे किए जा रहे हैं, उनका कहना है कि हमने 800 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, लेकिन इस बीच इस मिसाइल हमले में कई लोगों के मारे जाने और जख्मी होने की खबर है। क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमला और इस हमले में भारी तबाही। अब तक कुल 137 नागरिकों की जान गई है, ये आधिकारिक पुष्टि हुई है स्वयं राष्ट्रपति की ओर से। जेलेंस्की ने कहा कि 137 सैनिक और आम नागरिक मारे गए हैं। तो ये बड़ी खबर यूक्रेन से, जहां पर इस वक्त रूस की ओर से लगातार हमले और अब क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है।